नमस्कार, सनसेट टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे टर्म का बजट पेश होने वाला है और हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के मुंबई में। ऐसे में जानेंगे मुंबई के छात्रों का क्या कहना है, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी बजट को लेकर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अब जो बजट आने वाला है उसमें आप क्या सोचते हैं कि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि भारत का विकास तेज़ी से हो सके। मैं समझता हूं कि ग्रामीण विकास में जो है इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे कि जो खाद पदार्थों की कीमतें अभी भी 8% के लगभग चल रही हैं, तो सरकार जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में सब्सिडीज़ बढ़ा सकती है, जिससे कि वहां इनकम जनरेट हो, रोड बनेंगी और जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वहाँ इनकम से मुनाफा होगा। इसके साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से इंश्योरेंस कवर बढ़ा के 10 लाख हो सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए जो लखपति दीदी योजना थी उसमें भी एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में जो बजट है आपको क्या लगता है कि कौन से क्षेत्र में होना चाहिए, जैसे ग्रामीण विकास की इन्होंने बात की, हमने ग्रामीण विकास की बात करी, ऐसे में ग्रामीण बच्चों की एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम है ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए एकलव्य मॉडल की, उस पर बजट एलोकेशन बढ़ाया जाए ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, सब बच्चे आके पढ़े। तो जैसे एलोकेशन ऑफ बजट इज़ ओनली 2.8%, तो उसको बढ़ाया जाए दर पर दर ताकि हम अपना टारगेट जो है जो 6% है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला, वो फ्यूचर में अचीव कर पाए। इसी के बीच में हम बात करें शिक्षा की, आपने बात की, तो इसमें जो शिक्षा का अनुपात है महिलाओं और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को बढ़ना बढ़े, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को शिक्षा में, गर्ल्स एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए। हम देख रहे हैं जैसे स्टेम एजुकेशन जो है उसमें हायर एजुकेशन में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, अब वुमेन आ रही हैं साइंस ले रही हैं, बट उनको और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, सिर्फ एजुकेशन तक नहीं, ताकि वो रहे एम्प्लॉयमेंट में, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें, उनका भी देश की प्रगति में योगदान हो, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपका क्या कहना है बजट को लेकर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरे हिसाब से पिछले 9 साल से हमारे यहाँ पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कोई चेंज नहीं आया है, कोई बदलाव नहीं आया है, तो 2024 में हमें उम्मीद है कि ये हम बदलाव देखें। तो जो सीनियर सिटीज़न है उनकी जो लिमिट है वो है 50,000, उसको बढ़ाकर 1 लाख तो कर ही देनी चाहिए कम से कम। आपसे जानना चाहूँगा कौन से क्षेत्र में आपको लगता है बजट एलोकेशन बढ़े या सरकार का ध्यान जाए ताकि देश का विकास और तेज़ी से आगे बढ़ सके। सर, जैसे कि सबने बताया रूरल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ वुमेन डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से EV एक सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट को और निवेश करना चाहिए। गवर्नमेंट की सब्सिडी उन्होंने कम कर दी थी लास्ट टाइम 2-व्हीलर 3-व्हीलर पे, जिसका हमने डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा कि उनकी सेल्स, उनके प्राइस बढ़ गए थे, उनकी डिमांड कम हो गई थी। इसी के साथ साथ एक बहुत स्पेकुलेशन है कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाया जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मेरे साथ बाकी सब विद्यार्थी भी, सबका ट्रेडिंग के प्रति काफ़ी रुझान हो गया है आजकल, तो अगर शॉर्ट टर्म टैक्स को बढ़ाया जाएगा तो ये एक नुकसान होगा हम सभी के लिए और लोगों का इंटरेस्ट कम होगा इन्वेस्टिंग के दौरान। आपने बात की इन्वेस्टिंग को लेके लोगों का रुझान बढ़ रहा है, छात्रों का रुझान बढ़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस क्षेत्र में विकास तेज़ी से आगे बढ़े और किस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बजट का एलोकेशन हो, कौन सी क्षेत्र को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें NEP के हिसाब से अराउंड 6% के आसपास का बजट का एलोकेशन होना चाहिए, पर अभी जो हमको देखने को मिला था वो अराउंड 3 से लेकर 4% तक के एलोकेशन का हमको देखने को मिला था। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस बजट में थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन देना चाहिए। आपका क्या कहना है आपकी क्षेत्र में? मेरे हिसाब से सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी जो सेक्टर है उसमें, उस क्षेत्र में सरकार को ज़्यादा एलोकेट करना चाहिए बजट और इनिशिएटिव ज़्यादा लेने चाहिए। जैसे कि हमने देखा था 2023 में भी गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन स्कीम निकाली थी, जिसमें 2030 तक 50 लाख मेट्रिक टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का प्लान था ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और कम हो, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसमें हम आगे सरकार को कुछ करना चाहिए। क्या सोचते हैं, किस तरह की योजनाएं आपने सोची हैं, क्या करना चाहिए सरकार को, आपका थॉट ऑफ माइंड क्या है? अभी मेरे हिसाब से सरकार ने इस साल भी इंटरिम बजट में जो सोलर पैनल का इनिशिएटिव लिया है वो कि 1 करोड़ लोगों के घर पे सोलर पैनल लगे, तो वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से और उसी में सरकार को और बेहतर बनाना चाहिए उस इनिशिएटिव को और जल्द से जल्द उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
ऐसे में आप क्या सोचते हैं बजट को लेकर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बजट को लेकर एक ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है, बिकॉज ईवी का आज के डेट में जो महत्व है वो आगे जाके और भी बढ़ सकता है। इसी के लिए भारत ने क्या कहते हैं फेम 2 को हटाकर 2024 में जब उसका खत्म हुआ था मार्च में, फेम 3 के बारे में जब बात हुई थी अमाउंट 10,000 करोड़ ही रहा था, बट उन्होंने 2-व्हीलर 3-व्हीलर और बसेस के ऊपर वो पूरा कर दिया था, उसमें से कमर्शियल गाड़ियाँ हटा दी थी। तो उस ऑटोमोबाइल सेक्टर में फेम 3 के मदद से शायद वो चीज़ और आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर को तेज़ी से बढ़ावा देने के लिए क्या ऐसी योजनाएं आपको लगती हैं जो वर्तमान में चल रही हैं या भविष्य में आनी चाहिए? क्योंकि किसी भी देश का अगर विकास की बात हम करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर उसकी एक बुनियाद में गिना जाता है, सबसे तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें साथ ही में, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या किया जाने की ज़रूरत है ऐसे में आपकी तरफ से? सबसे पहले तो जो चाइना का हमारे पे क्या पूरे वर्ल्ड पर ही क्या कहते हैं दबाव है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं चीज़ें, उसको कम करना ज़रूरी है। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए उस चीज़ के सब्सिडीज़ देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे टेस्ला का भी एक रहा था कि वो अपने से प्रोडक्ट यहाँ बेचना चाहते थे, उनको मना करके ये बोला गया अगर तुम यहाँ मैन्युफैक्चर करोगे तो ही तुम अपने यहाँ प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। उसी तरीके से और भी बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके बेचती हैं, तो उस चीज़ के लिए सब्सिडीज़ देनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भारत में ये चीज़ हो रही है। अगर वही चीज़ आगे बढ़ती रहेगी तो उस चीज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर डेफिनेटली आगे और ज़्यादा बढ़ सकता है जी। बजट में और भी छात्रों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी बुनियादी ज़रूरतें क्या है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो सरकार से। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको क्या लगता है बजट को लेकर? बजट को लेके कृषि के क्षेत्र में मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट जो है सरकार और कर सकती है। एक क्लीन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आ सकता है जिसमें कि जो इरिगेशन हो रहा है वो सोलर एनर्जी के थ्रू हो रहा है, साथ ही साथ रोड रूरल ग्रामीण एरिया में बनाई जा सकती है जो किसानों को जो है नए मार्केट्स की तरफ एक्सेस मिल सके, और फर्टिलाइज़र जो है उसका एलोकेशन जो है और बढ़ाया जा सकता है ताकि जो किसान जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फसलें बन रही हैं उसको जो है वो सस्ते दामों पर बन सके, और उनका जो जिस तरीके से बारिश और ओलावृष्टि की वजह से उन्हें नुकसान होता है उस नुकसान में थोड़ी कमी आ सके। आप युवा हैं, ऐसे में युवाओं का जो रुझान है देश में एक अलग सोच के साथ होता है, वो टैबू तोड़ते हैं रोज़गार के लिए, वो जॉब की बजाय स्वरोजगार को चुनते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर? वैसे तो देखा जाए तो हमारे सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए हैं और मैं उन सभी की बातों के साथ एग्री करता हूँ, पर हम देखा जाए तो सारे ही सेक्टर इंडिया में जो है ग्रो कर रहे हैं, और हमने पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप का जो एक बूम आया है, स्टार्टअप में गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं, और काफ़ी जो युवा हैं वो अग्रसर हो रहे हैं इसकी ओर कि हम कैसे एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करें, उसको कैसे कंट्रीब्यूट करें, बेसिकली किसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, जो भी हम इंडिया में एक प्रॉब्लम देख रहे हैं मेजर लेवल पर उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो हमारी ये मेरी ये एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से ये है कि गवर्नमेंट स्टार्टअप्स और जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें ज़्यादा स्पेंड करे, क्योंकि इसके जो फल होते हैं, इसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म देखने को मिलते हैं, और हमारा विज़न भी यही है 2047 तक इंडिया को एक विकसित भारत के तरह पूरी दुनिया के सामने पेश करना। प्रधानमंत्री मोदी का जो लक्ष्य है, जो सोच है 2047 तक विकसित भारत बनाने की है, ऐसे में प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाले बने, तो आप क्या सोचते हैं स्टार्टअप्स को लेकर, स्वरोजगार को लेकर? 2047 के विकसित भारत के लिए जो सपना देखा गया है नरेंद्र मोदी जी के तरफ से, मैं चाहता हूँ कि स्टार्टअप्स बढ़ने चाहिए, जैसे कि अभी के लिए स्टार्टअप्स पे एंजल टैक्स लगाया गया है सरकार की ओर से, अगर वो एंजल टैक्स कम हो जाए तो बाहरी देश से जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे इंडिया में वो बढ़ सकते हैं, उसके कारण हमारा रोज़गार बढ़ सकता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है और हमारा जीडीपी बढ़ सकता है जी। आपको क्या लगता है अगर देश की इकोनॉमी को तेज़ी से बढ़ाना है और इस रफ्तार को बढ़ाए रखना है, क्योंकि दुनिया में एकमात्र शायद हमारा देश है जो 8% की रफ्तार से जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है, बाकी देशों में ये रफ्तार नहीं है, ऐसे में आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं ये रफ्तार को बनाए रखने के लिए कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की सख्त ज़रूरत है? अगर नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 का विकसित भारत का अगर उसमें जाना है हमको, तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमको पैसा डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 3% ही हम स्पेंड कर रहे हैं, बट जो भी विकसित देश है जैसे कि ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, उनका 8 से 10% तक वो स्पेंड करते हैं अपना,
जैसे कि अभी सेमीकंडक्टर्स भी जो अभी पूरा माइक्रोचिप्स भी हमको बनाना है, हम जो पैसा डाल रहे हैं हम अभी असेंबली में पैसा डाल रहे हैं, बट अगर हम उसका पूरा प्रोडक्शन और पूरे टेक्नोलॉजी में पैसा डालेंगे, जैसे कि ताइवान के पास है पूरा टेक्नोलॉजी, तो हम और विकसित और हमारा और प्रभाव बढ़ सकते हैं पूरे दुनिया में। इसी की बात मैं करूँ आपको लेके, सेमीकंडक्टर्स एक बहुत ही बेहद गंभीर विषय है और दुनिया की जो ज़्यादातर वो है वो ताइवान के ऊपर डिपेंडेंसी है। भारत ने अभी उस पर काम करना शुरू किया है, गुजरात में उसका सेक्टर पे काम भी हो रहा है, तो आपको क्या लगता है जो सेमीकंडक्टर है वो कितनी बड़ी ज़रूरत है इस देश के लिए, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके सारे प्रोसेस को हम देश में ही करें? जी हाँ, ये नीड ऑफ दी आर है। अगर हम इसके प्रभाव पे जाएंगे तो फिर जैसे कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ आजकल सेमीकंडक्टर के वजह से ही चल रही है, हमारे फ़ोन से लेके इलेक्ट्रिक अप्लायंस तक, कुछ भी चीज़ सेमीकंडक्टर के बिना तो काम ही ना करे, तो फिर हमारा वही मूल्य होना चाहिए कि हम उसी की तरफ चलते रहे पूरे तेज विकास। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू उनका बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है टू मीट तो ये सब खर्च वो उठा सके। उसके लिए गवर्नमेंट को इनकम टैक्स में रिफॉर्म लाना ज़रूरी है। जैसे अभी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में फॉर सैलरी पीपल और फॉर पर्सनल फॉर द इंडिविजुअल पीपल उन्हें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग देयर इनकम, बट उन्हें गवर्नमेंट को इसमें फॉर द डिडक्शन फॉर जैसे PF का डिडक्शन है और LIC का डिडक्शन है वो भी AIS में इंक्लूड करना चाहिए। इससे गवर्नमेंट का फॉर अपील एंड केसेस वो भी कम हो गए और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। अभी हम और छात्रों से जानकारी लेंगे उनका क्या सोचते हैं, क्योंकि युवा जो सोच है वो बिल्कुल अलग होती है और देश के विकास को लगातार बढ़ाए रखने के लिए वो अलग ही सोच को रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये आर्थिक विकास की बात हम कर रहे हैं और बजट की बात कर रहे हैं, ऐसे में बजट का जो एलोकेशन है आपके मुताबिक कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? मैंने ऑलरेडी जैसा कि बोल चुका हूँ, मैं एजुकेशन सेक्टर है, EV सेक्टर अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें हमको एलोकेशन मिलना चाहिए। सेमीकंडक्टर अभी बोला गया था, सेमीकंडक्टर अब $1 trillion का एक इंडस्ट्री बनने वाला है, उसमें अगर भारत को एक शेयर मिले मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में, देन वो भी एक बहुत GDP को ग्रो करने में मदद कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? जी, मेरा ये मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ सरकार को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमेशा से हमारा एक वीक पॉइंट रहा है और सरकार अगर इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है तो इससे स्वरोज़गार की योजनाएं भी बढ़ती हैं, क्योंकि MSMEs जैसा कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं इस देश में। तो मेरा ये मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ सरकार का इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय? आई थिंक अभी रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड इंडिया द गवर्नमेंट शुड एक्चुअली फोकस एंड गिव इम्पोर्टेंस टू दैट एंड दे कैन रिड्यूस टैक्सेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस एंड ETCD। मैं यही जानना चाहूँगा, आपने बोला शेयर मार्केट में अभी रिटेल का ज़्यादा हुआ है, दबाव बढ़ रहा है और इंटरेस्ट भी जाग रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो फ़र्क अभी आया है हाल ही में इसको आप कैसे देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात हम अगर करते हैं तो भारतीय मार्केट अभी इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रही है या अभी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर है? नहीं नहीं, ऑब्वियसली इंडियन मार्केट बढ़ रही है एंड अभी हम लोग विकसित भारत 2047 पे चल रहे हैं, तो दैट इज़ द फोकस। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो भारत है, भारत हमारे इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है, तो अपना हमारा यहाँ पर जैसे FDI और FIIs है, अगर US अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हमारी स्टॉक मार्केट गिरती है, बट अगर हम पहले से देखें तो स्टॉक मार्केट में इतना फ़र्क नहीं आ रहा अगर FDI और FIIs जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी इतना फ़र्क नहीं आ रहा है, जो एक काफ़ी अच्छा मूव है। आपको ये लगता है कि FIIs के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि क्या हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि FIIs का लोग इंतज़ार करते हैं कि वो पैसा मार्केट से निकालें, मार्केट डाउन हो और इंडियन मार्केट का जो पैसा है वो मार्केट में आए? अगर FIIs का रोल हमारी मार्केट में ज़्यादा होएगा तो फिर मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होएगी, जो नहीं होनी चाहिए इतनी वॉलेटाइल, तभी FIIs का अगर डोमेस्टिक लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक मार्केट को बहुत फ़ायदा होएगा एज़ कम्पेयर टू FIIs, राइट? तो ऐसे में बजट में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, क्या एलोकेशन होना चाहिए टैक्सेस की अगर हम बात करें उसको लेकर? गवर्नमेंट जैसे भी बोलना चाह रही थी कि FNO ट्रेडिंग में वो 30% का टैक्स लगाई जो काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट इसको वो लग रहा है अभी बढ़ावा नहीं दे रही है, जो गवर्नमेंट को देना चाहिए इसका उल्टा करना चाहिए कि इस पर टैक्स कम करना चाहिए ताकि और लोग जाके इन्वेस्ट करें। अभी 5% से भी कम लोग इंडिया में लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो नंबर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप US या फिर जो डेवलप्ड नेशन है उनका देखें,
तो गवर्नमेंट को इस पर टैक्स कम करना चाहिए। आपका क्या कहना है, कौन से क्षेत्र आपको लगते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय बजट के एलोकेशन के हिसाब से? जैसे हम टैक्स की बात कर रहे थे, तो पर्सनल टैक्स में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरीड एम्प्लॉयज़ को 50,000 का, वो कई सालों से 50,000 का ही रहा है, तो उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। एंड दूसरा जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो उसमें 4 मेट्रो सिटीज़ आइडेंटिफाई हुई है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। इनफैक्ट अभी जैसे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है लोगों का, तो कई सारे जैसे बैंगलोर या गुड़गांव, पुणे, उन सिटीज़ में भी बढ़ रहे लोग, डेमोग्राफिक चेंज बढ़ रहा है, तो उसमें भी हाउस रेंट अलाउंस बढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि 2047 का अगर हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है तो ग्रीन एनर्जी पे खास करके ध्यान देना पड़ेगा। ग्रीन एनर्जी, अभी हमारा 60% जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयले से होता है, जो हमारे वेदर के लिए या फिर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। तो ग्रीन एनर्जी पे ध्यान रख के हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में फोकस करके। और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ट्रांसमिशन का हो या फिर कैपेसिटी जनरेशन का हो, वो धीरे धीरे हम बढ़ाएं, जब का ध्यान रखते हुए, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा ये ग्रोथ हो पा रहा है या नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब बजट जो आ रहा है, ऐसे में आप किस क्षेत्र को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस्ड हैं, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन की ज़रूरत इस टाइम सबसे ज़्यादा है ताकि विकास की रफ्तार को बनाया जा सके? मेरे हिसाब से सेहत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एंड उसका एक ही रीज़न है, डायग्नोस्टिक्स जो हमारी है, हमारी सरकार जब पैंडमिक के दौरान कोविड की टेस्टिंग फ्री करवा रही थी, ऐसा नहीं हो पा रहा था कि सब लोगों को बराबर वो सब सेवाएं मिल पा रही थी। उस वजह से क्या होता था कि कई बार जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो कस्टमर बेस ले लेती थी। हम सिटीज़न हैं इंडिया के, तो मेरे हिसाब से डायग्नोस्टिक्स, सही बीमारी सही समय पे, ताकि सही दवाई मिले, क्योंकि जो लोग आपके लिए सेहत, जिनको सेहत की दिक्कतें होंगी, वही आपका काम करने वाले हैं, वही आपकी प्रोडक्शन करने वाले हैं, वही आपका जीडीपी बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक्स पे फोकस, डायग्नोस्टिक्स पे ज़्यादा बजट एलोकेशन मेरे हिसाब से सर ज़्यादा। आपने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज़्यादा बजट की एलोकेशन की ज़रूरत है। 2020 के कोविड के बाद दुनिया ने भी देखा किस तरह से भारत ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया है, और दुनिया ने भी अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फोकस किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी किस क्षेत्र को लेकर एक्सपेक्टेशंस हैं? जैसा इन्होंने भी कहा कि स्वास्थ्य का क्षेत्र है, और पहले भी सबने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे निवेश की। मैं मानता हूँ कि इस समय भी हमारे देश में मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं वो काफ़ी कम है। बहुत ज़रूरी है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जैसे चाहे मेडिकल हो चाहे फिर बिजनेस मैनेजमेंट के भी हो, उसमें और ज़्यादा निवेश हो। अब किस हम देखें अगर IIMs की तरफ या IITs की तरफ जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रहता है वो और बढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान से ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है। कई सारे लोग हायर एजुकेशन के लिए आज भी बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं, और उसकी वजह से आज हम बाहर देखें अमेरिका में कितने सारे हिंदुस्तानी डॉक्टर्स हैं, जर्मनी में कितने सारे लोग जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, इसी तरह से इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के लिए भी। तो इन जगहों पे अगर निवेश और ज़्यादा बढ़ेगा तो हम ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ का टैलेंट है वो हमारे देश में ही बरकरार रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगा आप क्या सोचते हैं बजट को लेकर क्षेत्र में जो लगातार एलोकेशन हो रहा है, डाइवर्सिफाई कैसे हो? जैसे कि मेरे सारे साथियों ने बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या रोडवेज की बात हो या रेलवेज, हेल्थ केयर एंड एवरीथिंग, तो ये सारे सेक्टर्स तो मस्ट हैं। यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जॉब मार्केट में लोग बेरोजगारी के लिए बहुत कंप्लेन करते हैं, लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, प्राइवेट जॉब्स नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एलोकेशन बजट का होना चाहिए वो टूवर्ड्स जो अब नए बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं। हम बी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इन फ्यूचर अगर हम अपना कुछ स्टार्ट करने का सोचते हैं बिजनेस, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट फंड्स देती है, निधि फंड है, SIDBI फंड है, लेकिन गवर्नमेंट किस हद तक फंड दे सकती है? तो कुछ ऐसा इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ दिखे, ताकि वो भी चाहे नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना, तो गवर्नमेंट को उस टूवर्ड्स बजट में कुछ ऐसा इंसेंटिव कुछ ऐसा लाना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को दिखे कुछ, ताकि इन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। इनकम टैक्स का जो 53F एक्ट है उसमें कुछ बदलाव, ताकि बिजनेसेस को आगे बढ़ावा मिले, ताकि बेरोजगारी कम हो सके। जैसा कि आपने बताया कि स्वरोजगार पे सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं किस क्षेत्र में विकास को बढ़ाए रखने के लिए कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ऐसे में सरकार बजट के माध्यम से कैसे उन क्षेत्रों को मजबूती दे सकती है? मेरा ये मानना है कि हमें सरकार को एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा योगदान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी छात्र हैं जिनके पास अच्छे पोर्टल के एक्सेस नहीं है जिससे वो रिसर्च वगैरह कर पाएँ, तो सरकार को सारे विद्यार्थियों को इन पोर्टल की एक्सेस देनी चाहिए, और इसके अलावा वन नेशन
और वन सिलेबस का मोटो भी मैं उठाना चाहता हूँ, जिससे कि सारे विद्यार्थी की सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन एक समान रहे। ऐसे में जिस तरह से आपने शिक्षा की बात की, आपने स्वास्थ्य की बात की, आपने स्वरोजगार की बात की, इसी तरह से हमारे साथ और भी छात्र हैं, उनसे जानेंगे आप क्या सोचते हैं कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस टाइम फोकस करने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार बीते 10 सालों में लगातार फोकस करती आ रही है, और अगले 5 साल मोदी सरकार के अगर विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है तो कौन से क्षेत्र ऐसे हैं आपको लगता है जो इस बजट में सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि पिछले 10 सालों का फोकस केंद्र सरकार पे, अगर मैं कहूँ कि किसी एक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर पे अब तक हमने बात नहीं करी है, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी डिफेंस की अब आप देखें तो बहुत सारे स्टार्टअप्स का वो पब्लिक लिस्ट भी हो रहे हैं, बहुत सारे डिफेंस कंपनीज का IPO भी आ रहा है, और जो भारत की इंडिया की जो एक्सपोर्ट है डिफेंस सेक्टर की तरफ से, तो एक्सपोर्ट का भी दर बदर हर साल वो परसेंटेज बढ़ रहा है। सिमिलरली गवर्नमेंट की एलोकेशन भी डिफेंस सेक्टर को लेकर बढ़ रही है हर साल, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहे, अगले 5 सालों में ये एलोकेशन बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा डिफेंस सेक्टर को लेकर एक्सपेंडिचर है बाकी बड़े देशों से कंपेयर्ड, अगर हम रशिया से देखें, अमेरिका से देखें, तो उनसे कंपेयर काफ़ी कम है। तो अगर हमें अपना सेल्फ रिलायंस का मिशन चाहिए तो हमें डिफेंस पर तो खर्चा करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो टैक्स रिजीम है हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर पैसा हमें 12 से 15 लाख वाले ब्रैकेट के ऊपर आता है, हालांकि लोग कम है बट ज़्यादा पैसा वहाँ से आता है, बट वो सब लोग ही ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं है। अगर हमें न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च कराएं और हमें ग्रेजुअल शिफ्ट चाहिए उसकी तरफ, तो थोड़े बहुत डिडक्शन डालने पड़ेंगे हमें उसमें। जैसे सभी छात्र अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं, मत दे रहे हैं कि उनका किस क्षेत्र में सरकार फोकस ज़्यादा करे, आप महिला हैं और युवा भी हैं, ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें और स्वास्थ्य की बात करें, तो आपको क्या लगता है महिलाओं को इस क्षेत्र में सरकार को ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, जितना ध्यान दे रही है उसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से मतलब वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन सेफ्टी, वुमेन हेल्थ की तरफ एलोकेशन थोड़ी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिनको प्रॉपर सेफ्टी हेल्थ की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, या उनके मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के टाइम पे भी काफ़ी, जब हम देखेंगे कि काफ़ी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो अब MBA परस्यू कर रही हैं या फर्दर स्टडीज़ परस्यू कर रही हैं, बट उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बजट के एलोकेशन उसकी तरफ चेंज होनी चाहिए, जहाँ उनको कुछ इंसेंटिव या कुछ और फैसिलिटीज़ मिले, जहाँ पर उनका थोड़ा और प्रायोरिटाइजेशन उनको और मिले उस सेक्टर। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत सरकार ने ये मिशन दिखा दिया था कि वो महिलाओं के प्रति काफ़ी सजग है और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त करने के लिए वो काम कर रही है। ऐसे में मैं जानना चाहूँगा, महिलाओं के सशक्तिकरण के अलावा भी आप क्या सोचते हैं किस क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ आगे बढ़ें, महिलाओं को ताकत देने की ज़रूरत है, बजट की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि मेडिकल सेक्टर में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अगर हमारी गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे आएंगी, और लोग बाहर जा रहे हैं मेडिकल परस्यू करने के लिए, लेकिन अगर वो यहीं पर ही उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो इसीलिए इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। देखिए, सबका कहना ये है कि एक तो शिक्षा स्वास्थ्य सबकी बात कर रहे हैं, ऐसे में युवाओं की जो सोच है वो देश में ही रहने की और देश में ही बेहतर शिक्षा की ज़रूरत है, विदेश जाने की इच्छा उनकी नहीं है लेकिन मजबूरी हो जाती है, ऐसे में आपका क्या कहना है कि देश में कौन से ऐसे बुनियादी ढांचे हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जिसपे अभी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, शिक्षा की बात करें उसके अलावा? जैसे कि विकसित भारत का प्लान है गवर्नमेंट का 2047 तक, तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ बहुत ज़्यादा आउटपुट निकल के आ सकता है, योगदान दे सकता है। तो जो कंसेशनल टैक्स रेट था मैन्युफैक्चरिंग में 15% का, वो अभी 2019 से लेकर के 31 मार्च 2024 को ख़त्म हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसको दोबारा से रिवाइव कर सकती है ताकि मैन्युफैक्चरिंग को जो एक पुश दे रखा है जिससे GDP भी बढ़ के आ रही है, ऐसे 8% थी पिछले तीसरे क्वार्टर में, तो वो बना रहेगा, तो वो पुश जो है वो ज़रूरी है जो कंसेशनल टैक्स रेट के थ्रू आ सकता है। आपका क्या कहना है? जैसे कि हमारा देश का बोला गया है कि नारी शक्ति के लिए हमें प्रोत्साहन करना है, तो जैसे कि उन्हें तो रोज़गार देना ही है, बट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्हें उद्योग के लिए, उन्हें बिजनेस के लिए हमें बहुत सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि गृह उद्योग काफ़ी बहुत आगे चल रहा है, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है
कि ये छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनके लिए फंडिंग किए जाए, उनके लिए जो लोन्स होते हैं वो लोन फ्री इंटरेस्ट फ्री सब्सिडीज़ वगैरह दिए जाए ताकि उन्हें आगे हेल्प कर सकें। आप कुछ कहना चाहेंगे बजट को लेकर कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? सो अभी हम देखने जाए तो देश की मीडियन एज जो है 28 है, सो इसका मतलब ये है कि 50% से कम लोग 28 साल से कम है, और इसकी वजह से हमें मैन्युफैक्चरिंग हब तो अभी जो प्रमोट कर ही रहे गवर्नमेंट, उसके साथ साथ जो सर्विस जो अपना स्ट्रेंथ है, भारत का स्ट्रेंथ है, जो सालों से हम सर्विस इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जाना जाता था, वो भी हमें साथ में प्रमोट करना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करें और सर्विस के हम सपोर्ट ना करें, तो दोनों को साथ में बूस्ट करेंगे तो भारत का और विकसित जल्दी हो जाएगा। तो ये थे नारसी मोहन जी, NMIMS के छात्रों से हमने बात की, उनसे जाना, उनके व्यूज़ को जाना, बजट को लेके उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है उसको जाना। सभी छात्रों ने अपनी राय दी देश के विकास को लेकर, 2047 के भारत के विकसित होने के लक्ष्य को लेकर सभी छात्रों की एकमत राय है कि देश का विकास होना चाहिए, ऐसे में रोज़गार मांगने की बजाय स्वरोजगार उनका प्राथमिक लक्ष्य है। संसद टीवी के लिए कैमरामैन महावीर सिंह के साथ सुरेंद्र कुमार, महाराष्ट्र, मुंबई। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।